हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजिन मैदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आरजीबी कर्व के बारे में दोस्तों, जिसमें रेड ग्रीन ब्लू कलर्स होते हैं। उसके बाद आरजीबी परेड के बारे में भी बात करेंगे, वेक्टरस्कोप के बारे में बात करेंगे, वेवफॉर्म लूमा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इन्हें किस तरह से जज करना है, इन कलर्स को करेक्ट कैसे करना है। तो बेसिकली अभी मेरे पास 2-3 वेडिंग के क्लिप हैं, उनके अंदर से कौन सी टोन ज़्यादा है और कैसे आपने निकालनी है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आरजीबी परेड एंड कर्व को किस तरह से देखना है, आइए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम कलर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे लुमेट्री कलर के अंदर हम जाएंगे कर्व के अंदर, और यहाँ पे हमें मास्टर और आरजीबी कलर्स मिलते हैं दोस्तों। अब देखने में ये हमारा क्लिप बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है, लेकिन इसे एक्यूरेट बनाने के लिए आपके पास वेक्टरस्कोप ओपन होना चाहिए, उसके बाद वेवफॉर्म लूमा, आरजीबी परेड दोस्तों। इनको कैसे देखेंगे? स्किन को चेक करने के लिए हम स्किन टोन लाइन एक्यूरेट करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक आपको एक बाउंड्री दिखाई दे रही होगी, यहाँ से कलर कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो टीवी चैनल्स हैं, ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, तो यहाँ से अगर कलर्स बाहर होंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके अंदर आपके कलर्स होने चाहिए, और ये शो दिखा रहा है कि रेड एंड येलो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद वेवफॉर्म लूमा के अंदर क्या होता है कि ये मेरा ब्लैक एरिया है, बिल्कुल डाउन है, देख सकते हैं, और यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट और ये हेयर है उसके, तो चलिए करेक्ट करते हैं। और इसी तरह से आरजीबी परेड में क्या होता है, ये शेडोज़ होती हैं, ये हाइलाइट्स पार्ट होते हैं, और ये मिड टोन पार्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मैं रेड टोन की शेडोज़ बढ़ा रहा हूँ, तो जो नीचे का पार्ट होगा वो अप जा रहा है। ओके, हाइलाइट्स को डाउन कर रहा हूँ तो जो अपर पार्ट है डाउन हो रहा है दोस्तों। अभी क्या है कि अगर आप इसको क्लिप को गहराई से देखेंगे, रेड बहुत ज़्यादा है, ग्रीन कम है, और ब्लू और कम है दोस्तों। मतलब रेड बहुत ज़्यादा है, या तो हम ब्लू या ग्रीन को बढ़ाएंगे या रेड को ही निकाल देंगे। तो बिल्कुल आपने क्या करना है कि ये हाइलाइट पार्ट ज़्यादा हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 80+ जा रहे हैं, तो हम हाइलाइट पार्ट को डाउन करेंगे दोस्तों। ओके, और बिल्कुल हल्का सा ब्लू हाइलाइट्स को अप करेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद हम मास्टर के अंदर जाएंगे, यहाँ से एक्यूरेट हो चुका है। अब मास्टर के अंदर देखेंगे कि कंट्रास्ट की कमी है दोस्तों, और यहाँ पे वेवफॉर्म लूबा भी स्प्रेड होगा और यहाँ पे कंट्रास्ट भी स्प्रेड होंगे दोस्तों। ओके, यहाँ से मैं हल्के से कंट्रास्ट फिल कर देता हूँ। ओके, और जो मिड टोन पार्ट है उसे हल्का सा अप ही रहने दूंगा। ओके, अब मैं बिफोर आफ्टर करता हूँ, बिफोर आफ्टर, तो देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर दोस्तों, बहुत सारा फर्क आ चुका है क्लिप के अंदर। ये दोस्तों HLG की फुटेज थी कि करेक्ट करना बताया, जैसे हमारे पास ये SLOG 3 के 2 क्लिप आगे भी हैं। ओके, इनके ऊपर मैं एडजस्टमेंट लेयर रख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं REX M09 का लट अप्लाई करता हूँ। अब दोस्तों देखने में ये भी एक्यूरेट लग रहा है, लेकिन एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है। हम जाएंगे स्कोप्स के अंदर, और यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देख सकते हैं जो कि हमारे वेवफॉर्म लूमा है, एक्सपोजर जो बता रहा है ये कम से कम 90 तक का तो होना चाहिए, 90% तक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभी 80 ही है, मतलब एक्सपोजर की कमी है दोस्तों, लाइट की कमी है। और यहाँ से हम थोड़ा सा लाइट फिल करेंगे, मैं एक नया लुमेट्री ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर पहला स्टेप आपने पार कर लिया, उसके बाद लाइट की कमी है मैंने बताया, जैसे आप लाइट अप करेंगे, मिड टोन्स अप करेंगे। ओके, 90 तक, मैं क्लिप नहीं देख रहा, मैं 90 तक देख रहा हूँ कि मेरा वेवफॉर्म लूमा जा चुका है दोस्तों। ओके, तो ये आरजीबी कलर्स अपने आप ही अप हो जाएंगे दोस्तों, जब आप वेवफॉर्म लूमा को देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि क्लिप के अंदर देख रहे हैं कि कंट्रास्ट की कमी आनी स्टार्ट होगी। कैसे पता चला मुझे? जो समंदर है, बीच है, और मेरा स्काई है, सब्जेक्ट है, या ये जो सब्जेक्ट बैठा हुआ है मेरा, सारे इक्वल से लगने लग गए हैं। तो आप क्या करेंगे, मिड शेडो पे यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ओके,
और इन्हें आप नीचे करेंगे दोस्तों, ओके देख सकते हैं दोस्तों, अब स्काई और ये समंदर और हमारा सब्जेक्ट है तीनों अलग अलग हो चुके हैं। उसके बाद हल्का सा हम हाइलाइट्स भी डाउन करेंगे शर्ट के ऊपर, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा हाईलाइट हो रही है या इनके कपड़े ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, हल्का सा ये हाईलाइट मिड हाईलाइट्स हैं, ये बेसिकली मिड हाईलाइट्स को भी डाउन करेंगे, ओके काफ़ी है दोस्तों। अगर मैं क्लिप को सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर करूँ, बिफोर आफ्टर, पहले क्या था सब कुछ बंद कर देता हूँ, पहले तो बिल्कुल ही लॉग था, पहले हमने रेक्सम 09 अप्लाई किया उसके बाद क्लिप ऐसा दिखाई दे रहा था, तो हमें तो एक्यूरेट लग रहा है अभी फिलहाल, जब हमने वेवफॉर्म लूमा देखा बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। उसके बाद दोस्तों इतना काम करने के बाद ग्रेडिंग बिल्कुल आसान हो जाती है, ये दोस्तों करेक्शन के अंदर आ जाती हैं चीज़ें। अगर आप क्रिएटिव के अंदर जाएंगे यहाँ पे आपको शेडो टिंट एंड हाईलाइट टिंट दिखाई देगा, यहाँ से मैं ब्लू टोन, मतलब जो शेडोज एरिया है मैं ब्लू टोन लेके आ जाता हूँ, सियान टोन, ओके दोस्तों एक नया हाइलाइट्स मतलब एक नया लुमेट्री और क्रिएट करता हूँ कि कलर्स के बारे में पता चल जाए। अब ग्रेडिंग करने लगा हूँ, यहाँ से मैं ब्लू पार्ट बढ़ा चुका हूँ, ओके सियान, और यहाँ से मैं हल्का सा हाईलाइट पार्ट ऑरेंज की ओर बढ़ाता हूँ, ओके दोस्तों इतना भी करूंगा मेरे लिए काफ़ी है। अब मैं बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, तो काफ़ी अच्छे कलर्स आ चुके हैं। यहाँ पे शर्ट पे देख सकते हैं कि हल्का सा येलोपन दिखाई देगा जैसे लाइट आ रही है, बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, तो ये मेरा क्लिप बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों सेकेंड क्लिप है, इसके ऊपर भी रेक्सम 09 अप्लाई किया, तो आपने क्या देखना है, स्कोप्स देखने दोस्तों, ओके अभी ये भी हमारा कहाँ तक है 80, इसे पकड़ के हम 90 तक ले जाएंगे, नियालमेट्री 90 तक ले गए, ओके डन है जी। यहाँ पे कलर्स एक्यूरेट हैं आरजीबी के, डन। उसके बाद तीनों चीज़ों को स्काई सब्जेक्ट एंड वाटर को अलग करने के लिए मिड शेडोज बाहर निकालेंगे, डन है। हाइलाइट्स भी हल्का सा डाउन करेंगे, ओके दोस्तों इतना करने के बाद आपने क्या करना है कि एक और नया लुमेट्री लेंगे, चलो इसी के अंदर कर लेते हैं, क्रिएटिव के अंदर जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेड करता हूँ मैं, ओके मैं ब्लू टोन, डन है। उसके बाद हल्का सा येलो की तरफ लेके जाऊँगा क्योंकि वार्म टोन रखनी है हमने हल्की सी, ओके डन है। मैं प्ले करता हूँ, ओके बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर, तो देख सकते हैं ये हमारा ओनली लट अप्लाई है, ये है आफ्टर, हल्का सा ग्रेड भी कर चुके हैं, ओके ये हमारा लोग है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बोल रहा था कि स्किन टोन को एक्यूरेट है नहीं है, आपने क्या करना है यहाँ पे ओपसिटी के अंदर दोस्तों बेजियर टूल लेना है, बेसिकली मास्क करना है स्किन को, यहाँ से अपनी स्किन को मास्क करेंगे, ओके और स्कोप्स वाला एरिया आप अनलॉक कर लेंगे, साइड पे लेके आ जाएंगे, ओके और यहाँ पे आपने इफेक्ट्स के अंदर जाना है, फास्ट कलर करेक्टर, क्लिप के ऊपर रख दिया मैंने। अब आपने यहाँ पे देखना है दोस्तों कि स्किन टोन लाइन एक्यूरेट है हमारी, बेसिकली ये एक्यूरेट है, अगर एक्यूरेट ना होती तो हल्का सा आगे होती, देख सकते हैं या बैक साइड पे होती दोस्तों, अगर आप सेंटर में रखेंगे ये मैं एक स्टेप आगे बढ़ा के कर दिया है रेड टोन की तरफ, स्किन के अंदर रेड आ जाए हल्का सा, तो अब मैं मास्क को हटा देता हूँ, ओके फास्ट कलर करेक्टर, बिफोर एंड आफ्टर, स्किन के अंदर हल्का सा रेड टोन फिल कर दिया, यहाँ पे मैं जूम करके बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, हल्का हल्का रेड टोन हम लेके आए हैं इसके अंदर। तो इस तरह से दोस्तों आप स्कोप्स को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से आरजीबी परेड, वेवफॉर्म लूमा, वेक्टरस्कोप एंड आरजीबी कर्व को देखना है दोस्तों, और उसकी करेक्शन कैसे करनी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद दोस्तों।